वाला बताइए कि कोई यहाँ है इस जिला कलेक्टर से लेके खाद्य अधिकारी मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री कौन कौन मंत्री है वही हम जाने के पढ़े हैं हमू वह मेरे पढ़ाई हन कत्ता टाइम तीन डंडा टूटत रहा आउ बिगर खाए आबत रहन आउ लाई लोन के गंजी पहिर के आई अब कठवा की हुआ पार्टी आज यह जो सरकार है वो साला भ्रष्टाचार किया है चाहे कोई भी बताइए कि पहले का स्थिति क्या था और आज क्या यहाँ चल आप बताइए कि आप हमारे पिछले साल नौकरी किया है इस साल पैसा आपको कैसे मिलेगा बताइए। मेहिलाल यादव भी अपने कोटे में गल्ला रखा रहे जितने हमारे पब्लिक जो सुन रहा है मैं ड्राइवरी करता हूँ आज तक मेरे कोई विकास नहीं मिला है 40 साल होने वाला हूँ इस आपका रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना कुमार सिंह विधायक को फिक्स कर देना दोबारा विधायक को नहीं बनेगा मैं हाथ जोड़ के उसको प्रार्थना करता हूँ अब कोई पब्लिक नहीं देगा वोट मैं मेरी बातों से आप लोग खुश होंगे तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए मेरा निवेदन है हम मेहनत करेंगे और अपनी कमाई से खाएंगे। नमस्कार दर्शकों आज हम सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत भरसेरी उचित मूल्य की दुकान पर मौजूद हैं और यहां पर देखेंगे सैकड़ों की तादाद में यहां पर लोग भी मौजूद हैं। आखिर इनकी क्या समस्या है हम बात करेंगे इन लोगों से और पूछेंगे आखिर क्या समस्या है इतने लोग यहां पर क्यों भीड़ एकत्रित किए हुए हैं और ये उचित मूल्य की दुकान जो है वर्तमान में बंद नजर आ रहा है। तो क्या नाम है भैया आपका? हरिराज सिंह। क्या समस्या हो गई? अरे गल्ला नहीं मिले सर। तो बंद है दुकान तो कैसे मिलेगा? तो भाई कोटेदार बंद कह के चला गया। कल कितने बजे खुला था ये? ए हो गया खोले 10 बजे तक आप कहे की सुबह से खोली 9 से। अभी कितने बज रहे हैं? अब तो 12 बज रहे। तो बंद तो है दुकान तो यहाँ पर इतने लोग हैं क्या किसी को नहीं मिला गल्ला? गल्ला मिला है किसी? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राम खलाम। कितने महीने से गल्ला नहीं मिला? हमारा मिल गया है वो महीना के 2 महीने के और ये महीने 2 महीने के बाकी है। अच्छा यहाँ पर और भी जो महिलाएं हैं उनसे बात करें। क्या नाम है अपना? सीता का हिस्सा हूँ। बताइए क्या समस्या है? ये समस्या है सर कि गल्ला नहीं मिल रहा है कोटेदार ब्लैक कर देता है दुकान में गल्ला और पब्लिक लोग मर जाते हैं खाए बिगैर। चार महीने से गल्ला नहीं मिला हुआ है किसी के गल्ला में तो पब्लिक लोग मर जाते हैं खाए बिगैर। किसी को नहीं मिला हुआ है। आपको मिल गया गल्ला? नहीं मिला। कितने महीने से नहीं मिला? 2 महीने। 2 महीने से नहीं मिला आपको? 4 महीने के उपाय तो पाएं जे नहीं पाएं तो 6 महीने नहीं पाएं। हाँ जे नहीं पाएं तो खुलता कितने बजे है? खुलता कितने? खुलता है कहीं 10 बजे कहीं 11 बजे कहीं 12 बजे कहीं खुलता ही नहीं है। गल्ला ले मत कहीं तो हर दफा की आवाज। खुला था क्या आज? आज खुला रहा हम लोग मांगा लागे ना काल मतबा लागे तो भाग दी। 4 महीने का गल्ला नहीं मत देख लागा मरत हम भूखन पिया सन। सुन सकते हैं यहाँ की हालात। यहाँ पर लगभग 4 महीने से जो राशन है उचित मूल्य दुकान का वो नहीं दिया गया जिस कारण से यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों लोगों की ये समस्या है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार साहब। तो यहाँ पर जो दुकान की बात आ रही है सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद है बताया 4 महीने से राशन नहीं मिला। हाँ। क्या कहानी है? वही है किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? कार्ड तो सबका बना हुआ है ना तो फिर किसी को मिलना किसी को न मिलना क्या है? अब ये तो कोटेदार बताएगा क्यों नहीं मिल रहा है। गल्ला चुक किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम सुरेश प्रसाद साहू है। हम ये देखते हैं कि आज 3-4 साल से हमारे भरसेरी पंचायत में 150 से लेके 200 लोगों का गल्ला हर महीने घट जाता है। घट क्यों जाता है? हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि गल्ला घटता क्यों है। शासन के यहाँ से गल्ला कम आता है या कि कोटेदार ब्लैक करता है? दो में एक तो ऑप्शन होगा सर तभी तो गल्ला घटता है। और इसके वजह से लोग बाग एक साथ पूरे गाँव के लोग आते हैं कि हमको गल्ला न मिलेगा 2 रोज बाद नहीं आएंगे। तो बेचारे कहीं आते हैं तो टोकन कटा के चले जाते हैं किसी का टोकन नहीं कटता है। 3-3, 4-4 रोज से रेंगते हैं और गल्ला नहीं पा पाते हैं। तो कोई लोग तो 1 महीने का पाएगा कोई 2 महीने का पाएगा कोई 3 महीने का नहीं पाएगा। सैकड़ों लोग 4-4 महीने से गल्ले नहीं पाए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है क्या किसी को राशन नहीं मिला है? यहाँ जितने मौजूद है कोई गल्ला नहीं पाया। 2 महीने का गल्ला नहीं मिला है। आज का वर्तमान का डेट है कि कोटेदार द्वारा बताया जा रहा है कि सितंबर का जो है तो टोकन नहीं निकल रहा है। तो सितंबर का जो वर्तमान महीने का और पिछले महीने की बात आ रही है उसकी क्या है? अगर पिछले महीने क्यों नहीं दिया गया? भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि जब सितंबर में समय था तो तुम टोकन क्यों नहीं निकलवा लिए? टोकन निकलवाना चाहिए शासन का नियम तो आपको जानकारी है कि कब तक टोकन निकलता है। अब आज बता रहे हो कि टोकन नहीं निकल रहा तो हमारा गल्ला कैसे मिलेगा? जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है क्या नाम है आपका? बस अच्छा हूँ। तो क्या मिला आपको राशन? नहीं मिला। कितने महीने से नहीं मिला? 2 महीने। 2 महीने से आपको भी नहीं मिला? जी हाँ। आपका क्या नाम है? शेख लाल यादव। मिल गया आपको? नहीं मिला। किसी को नहीं मिला जितने लोग यहाँ पर? 4 महीने। आपको मिल गया? नहीं मिले। आपको भी नहीं मिला? हाँ। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी को राशन नहीं दिया गया। 4 महीने से लोग बता रहे हैं कि राशन नहीं पाए हैं और ये सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत भरसेरी उचित मूल्य की दुकान की कहानी है। क्या नाम है कोटेदार? क्या नाम है? मेहिलाल यादव। जी मेहिलाल यादव नाम है। कितने वर्ष से यहाँ पर है वो? वो आज कम से कम 10 साल से है सर। 10 साल से कम है वो। 10 वर्ष से यहाँ पर लगातार है। क्या हमेशा की ये कहानी रहती है? हाँ पहले तो कुछ कम था लेकिन अब ज्यादा हो गया सर। आती हो गया है।
तो कितने महीने से लोगों का राशन रोक देते हैं, कितने महीने? कम से कम 150 से 200 के बीच में लोगों का गल्ला नहीं मिल पाता है। 200 लोगों को राशन नहीं मिल पाता, हर महीने नहीं मिल, हर महीने नहीं मिल पाता है। हम लोग बहुत शिकायत किए, कहीं कलेक्टर के पास एक आध दोबारा आवेदन दिए थे, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो पाया। कहा था गल्ले नहीं है, यहाँ बोलता है गल्ले नहीं मिल रहा है। आपको क्या नाम है भैया? जयराम साहू। मिल गया आपको राशन? हमारा 5 महीना हो गया। 5 महीने से आपको नहीं मिला? जयराम साहू नाम है आपका। आपका कार्ड कहाँ है? सब जमा किया, कुछ मिल ही नहीं। अच्छा, कार्ड अंदर रखा हुआ है और दुकान बंद है? बंद है। कार्ड वहाँ दिख रहा है, टंकर पर दिख रहा है, पूरे पूरे जनता का कार्ड रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर जो राशन की दुकान है, यहाँ पर उन लोगों का जिनको राशन नहीं दिया गया है, 4-4, 5-5 महीने हो गए और यहाँ पर ये रखा हुआ है पहले से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले यहाँ पर रखा हुआ है राशन कार्ड और कूपन अंदर रखकर, और यहाँ पर ताला मार दिया गया है। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है पूरे परेशान है, और दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं, लेकिन कोटेदार बंद करके और यहाँ से गायब हो चुके हैं। जैसे ही खबर लगी कि मीडिया के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दुकान बंद करके यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पर लोग जितने हैं पूरे परेशान है। हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? और कितने महीने से राशन आपको नहीं मिला? 2 महीने। 2 महीने से नहीं मिला आपको? कितने महीने से राशन नहीं मिला? 2 महीने। 2 महीने से आपको भी नहीं मिला? 2 महीने का गल्ला नहीं मिले यार। तब वहीं से आके 8 बजे के यहाँ बैठे हैं, अब मर रहे हैं। हमारा यहाँ कैया कोटी जाता है, जबलपुर हम जाए लड़के बेरा में रोटी खाते हैं, तुम्हारे पास गाँव नहीं है, तुमको गाँव दे दीजिए, सफर भी नहीं दे दीजिए। हवा भी है, 3 दिन से आया, बैठे दिन खाए पिए लौट गए थे, गल्ला नहीं मिलता है, लौट गए थे। आज 2 दिन से आ रहा, तीसरा दिन है, यही बोले कर देंगे। 2 महीने से? 2 महीने का नहीं मिला आपको? 2 महीने के नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? आपको 2 महीने से हम नहीं पा, 2 महीने से आपको किसी को नहीं मिला, ये कहने का मतलब आपको नहीं मिला? 2 महीने का कोटेदार यहाँ कितने बजे आते हैं? कोटेदार कितने बजे आते हैं? कोटेदार नहीं कर रहा था, रेगा नहीं कर रहा था, आई थी। क्या आप लोग शिकायत किए हैं कहीं? कभी नहीं किए। महीने से नहीं पाए, बिन खाए पिए बैठे, कोटेदार को नहीं जाने की आवाज ही नहीं है। हम जब आए तो कबो नहीं भेटे कोटेदार का। आप लोगों का सही नहीं भेटे, गरज हो तो बैठो नहीं जाओ घर। कौन ऐसे बोलता है? कोटेदार बोलता है। तो दो दो चार चार महीने से राशन नहीं मिला, तो 4 महीने का राशन कब देंगे? वो क्या बोल रहे हैं? अब कहा जाने, जैसा बोल रहा है भाई, ऐसा गर्मी से बोला था, हम कैसा करें? हम तो पब्लिक है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले। एक बार कैमरामैन चारों तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर लोग मौजूद हैं और कोटेदार यहाँ से ताला बंद करके जा चुके हैं, यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 4 महीने से राशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कुछ सयाने लोग भी यहाँ पर मौजूद है और सब लोग राशन लेने आए हैं, लेकिन नहीं मिला। कितने महीने का नहीं मिला? ऐसा है साहब, हमारे ये कोटा भी इतने गचड़ है कि मान लगे बेचारे 3-4 महीना गल्ला पड़े रहा था, मिले नहीं। ये करता कहा है, वहाँ से टारगेट में आवा तो गल्ला यहाँ पूछबे नहीं कर, घट गए वो ये। क्या बोल देते हैं? घट गया। हाँ घट गया, यही कहता है। यही करके सब क्या करके सब जनता के लाभांश कह देते हैं बोला भाई, जनता अपने हक अपने अधिकार पर तो लड़बे करी। ऊ में हो गया कुकरा भूखी, भैया मेरे का हाल है उकर, तो उका धोखा मान ले कि भाई समझाई या कुछ कही, अब नहीं तो पहुँचाई वहाँ चेंज करा। हम ये कोटेदार को नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि कोटेदार जो है तो ब्लेक कर देता है गल्ला, पब्लिक जो है तो परेशान है, और परेशान तो मतलब गल्ला भी नहीं दे रहा है, और बोल रहा है कि गल्ला है ये नहीं है, टोकन जमा करवा लेता है, और किसी को गल्ला नहीं दिया जा रहा है। 4 महीना हो गया, 4 महीने से राशन नहीं मिला जी। आपको भी नहीं मिला जी? आपका मिल गया? नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? आपका 2 महीने का? 2 महीने से आपको भी नहीं मिला जी। क्या बोला जा रहा है कोटेदार? क्या बोल रहे हैं, कब देंगे? ये कहते हैं कि टोकन नहीं निकल रहा है 1 महीना को, तो जो निकल गया उसका क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो जो निकला है तो देते हैं उसको, दे दिए हैं। हाँ उसको देते हैं, जो टोकन निकला है तो देते हैं। दे दिए हैं आपको? मिल गया? हाँ मिल गया हमको। आपको मिल गया? नहीं मिला है। आपको? हमको नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? हमको 1 महीने का नहीं, 1 महीने का नहीं मिला। कितना कूपन बना हुआ आपका, कितने किलो पाते हैं? अरे 10 किलो तो पाते हैं साहब। 10 किलो कितने दिन रेंगना पड़ता है यहाँ? अरे यहाँ 50 रोज रहेंगे तब माल ले। यानी महीने के 30 दिन में कितने बार आते हैं आप यहाँ तब मिल पाता है? 3 रोज 4 रोज तो आते हैं, 4-5 रोज आते हैं, आप क्या कहें? 4-5 रोज जब आते हैं तब मिलता है आपको? नहीं मिलता है, राशन कार्ड जमा है और नहीं मिलता है। गिरा पड़ा गोद धरे है, रेंगा नहीं कर रहा है, उतनी दूर से आई थी। कितना दूर से? करवाही से यहाँ आते हैं? रेलवे की हुआ पार से आई थी।
हाँ अब का कहते हाथ गोड़ जबराई आई थी और राशन कार्ड जमा करके चले गए है नहीं पाई लगा है दू राशन कार्ड आपको कहाँ है वही ना अंदर राशन कार्ड भी आपका अंदर रखा हुआ आपका सबके पास कितना दूर से आते हैं 100 दिन के धरे आए कितना दूर से आते हैं गल्ला लेने रेलवे गई थी ले रेलवे के उस पार से आते हैं तो कितने दिन आते हो गया यहाँ तीन रोज अभी नहीं मिला गल्ला क्या बोल रहे हैं आधा हो गया जा अब नहीं आ नहीं खुले मशीन नहीं चले चले जा आए उते रोज यानी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है किसी को भी राशन देने से यहाँ पर इनकार किया जा रहा है चार चार महीने का राशन यहाँ से नहीं मिल पाया है गरीबों को देख सकते हैं यहाँ पर जितने जांच करने आएंगे पहले मेरे लाल बहादुर सिंह को पूछ लेंगे मैं कोटेदार का खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा उसकी क्रम बताएगा मेहीलाल यादव ने उस जमाने में अपने गाड़ी में गल्ला लाद करके सीधी बेचता था मेरे पास प्रूफ भी वो जमाना अलग था आप फिंगर्स अभी बेचते हैं अब कैसे बेचते होंगे 6 महीने बाद मेहीलाल आज तीसरा दिन बैठा इस गांव का पब्लिक की किसी को पूछिए कभी नहीं बैठता था वो आज तीसरा दिन बैठा है ना ताश खेलता था बसंती चौराहा हम ताश पीटता था वहीं छूला पेड़ के नीचे मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग सब कोई बोल सकते हैं मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग का निवेदन भी कर रहा हूँ ताश पीटता है तो हम लोग भटकते हैं हम लोग भटके लोग हम भटके आए पलागो करके चले जाते हैं मेरा नाम तो मेरा नाम पुण्यवासी प्रसाद यादव है मैं निवासी ग्राम भरसेड़ी को हूँ हाँ तो यहाँ का हालात जो है तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हम गड़बड़ इसलिए चल रहा है कि आज 20 साल से जब से सत्ता बीजेपी का आया है तब से यहाँ घूसा या कोरी चल रहा है सेल्समैन ठीक मेहीलाल यादव है भरसेड़ी का 10 क्विंटल ठीक है ब्लैक कर दिया लॉकडाउन कोरोना के समय में ठीक ना बेचा वो बहुत आदमी जानते हैं कि गल्ला कुछ बेचा है ना ठीक ना अब ये हम नहीं जानते हैं कितना बेचा है लेकिन शायद बेचा है तभी तो गल्ला थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ ठीक ना इसके बाद यहाँ वो बेचा तो किसी और को दिया होगा हमारे इस जब से 20 साल से सरकार इसका चल रहा है तब से मैं यहाँ ये हालात गड़बड़ किसी जगह जाएंगे आप ये बताइए हमको आप मीडियम वाले हैं क्या आप ये बताइए अपना परिचय हमको दीजिए मेरा नाम पुण्यवासी पंकज दुबे पंकज दुबे हाँ ठीक है आप मीडियम का पंकज दुबे बोल रहे हैं सर आप ठीक है आप ये बताइए कि 7 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान ने हर बहनी लाडली योजना के 1250 रुपए हर खाते में डाला और हमारे जो पूर्व से खाद्यान्न हमारे बाबा लोगन से आ रहा है खाद्यान्न माने आता ही रहा है राशन ठीक ना तो बताइए आपकी मतलब खाद्यान्न क्यों माने लास्ट में आया हमारे भरसेड़ी में ये पूरे मध्य प्रदेश में हालात ऐसा देखा जा रहा है कि बताइए हम गाय चराए हन पर साल अब माने चरौही आसो ले जब हम यादव हैं ठीक तो बताइए कि 15 तारीख तक का शायद गल्ला का माने पंच लगता है ठीक ना आज 16 अक्टूबर है तो बताइए कि सरकार वहाँ से अभी यहाँ 12-13 तारीख का अलाट गल्ला बोल यहाँ भेजा तो 3 दिन कोटेदार यहाँ माने कोटा खोलने अपना माने दुकान खोला ठीक तो सर्वर जो है तो यहाँ नहीं चल रहा है हम नहीं जाने हम 5 कांग्रेस को हम दिग्विजय सिंह के पढ़ावे लड़का मार मार के घरेलू कुछ खाना पीना कष्ट करके हम पढ़े हैं यहाँ से निवास जाता यहाँ स्कूल 5 तक कर रहा ठीक आज सरकार ने घूसा या कोरी में सारा अदल बदल किया है तो हम पब्लिक लोग यहाँ मर जूझ रहे हैं हमको देखने वाला बताइए कि कोई यहाँ है इस जिला कलेक्टर से लेके खाद्य अधिकारी मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री कौन मंत्री हैं वही हम जानी थे पढ़े हैं हम वह मेर पढ़ाइया हैं कतका टाइम 3 डंडा टूटत रहा और बिगर खाए आबत रहन और लाई लोन के गंजी पहिर के आई और कठबा के हुआ पार्टी आज यह जो सरकार है वो साला भ्रष्टाचार किया है चाहे कोई भी बताइए कि पहले का स्थिति क्या था और आज क्या यहाँ चल आप बताइए कि आप मैंने पिछले साल नौकरी की है इस साल पैसा आपको कैसे मिलेगा बताइए किस हिसाब से पाएंगे मजदूरी हम खाए बिना ये जरवा आप शांत रहिए थोड़ा सुनिए मेरा बात सब पब्लिक सुनिए कि भाई देखिए कि गल्ला सितंबर का सरकार नहीं भेजा और मेरा बहनी लाडली बहनी तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिया रे मामा कहाँ के मामा आए वो मामा नहीं कसाई है क्योंकि जब सितंबर में गल्ला क्यों नहीं वो भेजा
बहनी के खाता में तो पैसा भेज दिया, लेकिन गल्ला हमारा अक्टूबर में क्यों आया और लास्ट डेट में आया? मशीन नहीं चलेगा भैया, बताइए, हम अपना पैसा निकालने जाएंगे तो पंच लगाएंगे जब पैसा नहीं रहेगा ग्राहक सेवा, जैसे यूनियन आदमी नहीं जा रहा, कोई भी आदमी अपन नज़दीकी केंद्र में जाके अपन पैसा प्राप्त कर लेते, ठीक। जब यहाँ गल्ला चुग गया, जानी तान की गल्ला यहाँ चुग गया है ना, तो हमार गल्ला भारत के अंदर कहीं भी लेने का संविधान में मेरा अधिकार है, बताओ नहीं है? आप मीडियम वाला बताइए, मेरा प्रश्न का आप जवाब करो जी, बोलिए, बताइए जो मैं बोला उसका मतलब आप मेरे को बताइए। किसी भी राशन की दुकान से आप राशन ले सकते हैं? अरे भारत के अंदर किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं तो हम वंचित काहे रहेंगे, बताइए? जब हमारा इस ग्राहक में नहीं है खाद्यान्न, तो हम कहीं समित है, कहीं दूसरे सेल्समैन के यहाँ जाएंगे, नहीं देंगे तो कहेंगे भैया लिख के दे दो कि मेरे समित में कोटे में गल्ला नहीं है, लिख के देगा तो फिर दिखाएंगे हम कि देखिए सर इसे खाद्य विभाग में गल्ला पब्लिक के लिए नहीं है, है? तो बताइए अधिकार हमारा क्या का, संविधान के तहत हमको चलना है, एक पंचवर्षीय राज्य है, 5 साल हमारा सदस्य या सरपंच या विधायक अगर नहीं सुन रहा तो उसको बदलो भैया, घूसा या कोरी छुट्टा है कि 1 लाख का माल आया है तो 20,000 कलेक्टर लेगा, तो 30,000 मुख्यमंत्री लेगा, तो 10,000 खाद्य अधिकारी लेगा, तो पब्लिक का नाम भैया रहता है। मैं 20 साल से मैं कांग्रेस को उसमें पढ़ा हूँ, यहाँ स्कूल नहीं था, मैं खपड़ैला स्कूल में पढ़ा हूँ, संकुल में पढ़ा हूँ, मैं निवास था, रेंगते वहाँ जाता था मैं पढ़ने, और हमारे दादा बब्बा लोग गरीब थे, एक कठवा को बना देते थे लिखने वाला और वहाँ से ला देते थे कलम चलाने वाला, और छू ही माटी बंजारी मिला था, हमारे भरसेड़ी में माटी तक छू ही नहीं है, ठीक ना। अब वो हम बोथ बोथ के तह के हुआ लाई लोन के गंजी रहा तो हमारा लग जा हुआ कोरखा, तो वो का हम बब्बा से कहीं ना बब्बा ये तो का बनाए है हो ये सब ऊपर लग गया हे, कहा रुके तो का लानत रहा बाबा हमार की तिलेठा छुईला पत्ता लेस के बना के देत रहा, तो वह बाबा हमारे ओखर किडनी मजबूत रही कि ओखर नाती के रही है, जाऊँ 5 किलो गेहूँ चाउर में बिल्लान है लोग बाग, ये सब गलत है। हमको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए कि हमारे बाल बच्चे और कलेक्टर के लड़का एक ही विद्यालय में पढ़े। मैं इस गांव में देख रहा हूँ, माने हमारे गांव इतने जो अपने जुबान से सही बोलते हैं उनको नकार देते हैं लोग, माने हमारे गाँव में चलता है, कोई भूखे प्यासे आता है उनको कहते हैं तो तुम बाहर रहो, हमारा जो सिस्टम होगा वही करेंगे। कौन ऐसे बोल देता है? ये कोटेदार बोलते हैं। कौन है कोटेदार? मेही लाल यादव। क्यों ऐसा बोलता है भाई? वो अपने घर का देते हैं, लगता है अपने घर का देते हैं। अच्छा, वो अपने घर का देते हैं? हाँ, वो अपने घर का देते हैं, तो शासन उनको नहीं देता देने के लिए, वो अपने इसके बारे में भाई उनको यही लगता होगा कि मैं अपने घर का देता हूँ, तो हम लोग को माने धक्का मार कर देते हैं कि हमने चलो बाहर, हमारा जो सिस्टम है वही करेंगे। कितने महीने से नहीं मिला आपको राशन? 4-4, 5-5 महीना से गल्ला यहाँ लोग नहीं पा रहे, बताइए। 4-4, 5-5 महीने बीत गए और राशन नहीं दिया गया? हाँ, जी जी। क्या बता दिया, क्या बता दिया जाता है? हमारे इतने जितने सज्जन है कहते हैं गल्ला घट गया, और चोरी करने के लिए इनके लिए फायदा है, फिर कितना गल्ला घट जाता है? क्या सभी लोग का जो घट किया गया तो है ये नहीं है? आप लोग सब कोई बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं या कोटेदार अगर रहे तो सही रहे, हम लोग को हर महीने गल्ला सुरक्षित दे, हम लोग उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते, माने पूरा पब्लिक हम ये चाहते हैं। मैं उनको ये भी बताया कि मेरा पैर में थोड़ा तकलीफ है, आग जैसे धारता है यहाँ बैठ करके, धमकियां भी दे रहा है, धमकियां यही दे रहा है कि जब हमारे हम अपने सिस्टम से देंगे बाकी आपके सिस्टम से नहीं दे सकते, बताइए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? नहीं जाता है, भगाता है, भगाता है। हम क्या कहते, यह चाहिए थे भाई गल्ला हर महीना गल्ला मिला, अब ना मिला तो भाई दूसर का बला जी जाए कोटा से, यानी कोटेदार चेंज किया जाए। हाँ, कहे कहे हम नहीं चाहिए थे। अच्छा, कोटेदार चेंज किया जाए, आप क्या कहते हैं? आज गल्ला नहीं मिला, चार चार महीने को ज्यादा गल्ला नहीं मिला, रेलवे पास करवाही से हम लोग आते हैं, किसी घर साइकिल घोड़ा है किसी घर नहीं है, मजबूरी बस किसी बोलते हैं कि चलो भैया हमारे गल्ला ले जाते, तुम्हारे गल्ला ले जाते, परेशानी होते हैं, और चार चार रोज रहेंगी तो गल्ला मिल नहीं पावे। साधु इंद्रपाल सिंह जो सरपंच थे उनके जमाने में 3-3, 4-4 रिजल्ट माने वहाँ कापी में लिखा जाता था गल्ला चोरी करने वाले पकड़ने के लिए। आज तक कोई पब्लिक को अगर कोई बताया होगा ना कोटेदार ना कोई
अशोक यादव, दुर्गादास, साकेत किसी को नहीं बताए। मैंने चोरी करने के लिए तरीका जानते हैं और पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि हम ज़्यादा होशियार रहें, लोग चूतिया बन करके भटकते रहें। इनकी अगर ये सोच होगा तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं हमको गल्ला ना दे, हम अपने घर में जोतेंगे ना, कोई वोट देने नहीं जाएगा। मैं ये बताता हूँ आपको लास्ट पॉइंट। तो चुनाव तो चुनाव तो फिर नजदीक आ गया, क्या विधायक जी को आप लोगों ने? विधायक जानते हैं, विधायक जी तो ये भी कहते हैं कि किसी गरीब को मैं अमीर बना दूंगा। उमर सिंह मेरे सामने बोले कि अमीर को, गरीब को अमीर नहीं मैं बना दूंगा। वोट लेने के लिए हमारे पैर छूते हैं ना, अब हमको पैर छूना जरूरत नहीं। हम अपने खेती किसानी करेंगे ना, कोटा से मतलब। मेहिलाल यादव भी अपने कोटे में गल्ला रखा रहे। जितने हमारे पब्लिक जो सुन रहा है, मैं ड्राइवरी करता हूँ, आज तक मेरे कोई विकास नहीं मिला है, 40 साल होने वाला हूँ। इस आपका रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, कुमार सिंह विधायक को फिक्स कर देना, दोबारा विधायक को नहीं बनेगा। मैं हाथ जोड़ के उसको प्रार्थना करता हूँ, आप कोई पब्लिक नहीं देगा वोट। मैं मेरी बातों से आप लोग खुश होंगे, तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए। मेरा निवेदन है हम मेहनत करेंगे और अपनी कमाई से खाएंगे, हमको कोटा से जरूरत नहीं। हम काहे आए तेल लगाने भैया, इसको मेहिलाल यादव को दहाड़ता है बाघ जैसे। अगर मैं सक्षम होता, मैं भी कुमार जैसे विधायक बन के रहता और पब्लिक को सेवा करता। मेरा इरादा है, 17 साल की उम्र में मैं ड्राइवरी किया हूँ आपसे बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई विकास नहीं। पैसा दे करके कूपन बनवाया। किसको दिया थे पैसा? राजेश रजक को, देवसर से मेरा कूपन बनवाया, उसका भी बधाई मैं कर रहा हूँ। हमारा सहायक सिक्योरिटी है, बाकी हमारा घूस देंगे भैया तो खाएंगे, और घूस नहीं देंगे तो घर में बैठ के मसाला पीस करके बैठते रहेंगे। तो ऐसे लोग बनाने से क्या मतलब है? क्या शिकायत की है आप कादबार के विधायक जी को? विधायक जी को बताए हैं आप? हम किसी को शिकायत नहीं, हमने जो जो जितने पब्लिक हैं कागज देते हैं उनका लुप्त तो हो जाता है। कागज तो दे दिए, पता नहीं हम लोग कहाँ जाए भटकने। गरीब आदमी अपना घर का काम करे कि देवसर पता लगाने जाए, ये हाल है बताइए। इनके बीच में, हमारे भी बीच में, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, इनके बीच में भाई कोई सज्जन है उनको बताइए, ये हाल है हमारे। अभी मैं आया अपनी कहानी बताया यहाँ पे कोटा में। मैं बोला भैया देखिए मेरा पैर आप देख लीजिए कैसा है। मैं बोला भैया देखिए कि मेरा थोड़ा तकलीफ है, दे दीजिए। नसाई क्या हुआ? मशीन नसाई। हम कहते हैं हमारी गाड़ी, हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, तो नसा गया तो हम मालिक को बताएंगे ना। काहे उनको गुमराह करते हो, काहे गुमराह करके रखते हो? 2 घंटा सही, 3रा घंटा अरे सर्वर गया लगे। क्या भर सेड़िया गांव में सर्वर चला जाता है बताइए? हमारा इस भरसेड़ी गांव में अगर कहीं कितना अच्छा अगर काम होता होगा तो मैं सब लोग के लिए बधाई करता हूँ। मान ले कि भरसेड़ी पंचायत इतना खत्म गांव है कि मर रहे हैं भूखे, मर रहे हैं काले, मर रहे हैं प्यासे। 15 दिन 18 दिन रहेंगे, एक जगह कहीं मेरे सर्वर नहीं पकड़े, ना कहीं वो महीना गल्ला बेच नहीं, कहीं मैं गल्ला नहीं बचता है, क्या करोगे? चले जाओ। अब हमारी है विनती निवेदन है करवाई के गल्ला, करवाई में गिरा भरसेड़ी, गल्ला का भरसेड़ी मिले। अरे तो विधायक जी को शिकायत किया आप लोग? विधायक जी की तो हम नहीं गए हैं, कोई नहीं शिकायत किया इतने लोगों ने। बताओ भैया जी की करेंगे ठीक ना? ये पब्लिक अपन धंधा कहाँ काम करा कि मतलब विधायक खोजे जाए, कहाँ पर ही पैसा रुके खोजे जाए, कहाँ से जाए दे? तो कोटेदार के साथ साथ ही कोटेदार चेंज करे चाहिए, दूसरा कोटेदार है, ये कोटेदार चेंज कर, बस हो गया। इतना जब मनाई क्या कहते जनता नहीं है कि विधायक कहाँ के, विधायक आए यहाँ अब कहाँ चुप आए? विधायक के साथ जब होती है तो बतौता नहीं आई, डर के मारा है, डर के मारा बतौता नहीं आई के शिकायत करी। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंचाई जाएगी, और यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनके तरफ चलते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये सब दुकान में यानी कोटा में उचित मूल्य की दुकान में ये पूरे राशन लेने के लिए यहाँ पर ही लोग एकत्रित हुए हैं। ये जितने भी लोग नजर आ रहे हैं पूरे वही लोग हैं जो राशन लेने आए हैं। हम इन लोगों से ही बात करें। क्या नाम है भैया आपका? शेखलाल यादव। मिल गया आपको? नहीं मिला है। कितने दिन से रह रहे हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने से रह रहे हैं, राशन नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी को मिला है का? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी को मिल गया है? हाँ, जो यहाँ पा रहे हैं निकल रहे हैं, जो नहीं पाता है तो नहीं पाता है। बहुत आदमी निकल गए, ऐसा बहुत जनता रही नहीं है, बहुत आदमी निकल गए अपन घरे है, कब बता के नहीं बैठे रहे। इसलिए मान लें कि इस प्रकार हमारी कोटा का स्थित है,
तो इनका ये स्थिति कैसे सुधरेगा, सुधरेगा कैसे ये नहीं, इसके अपने पंच सुधार जसके सुधारी। हाँ, क्या नाम है आपका? जवाहिर यादव। यादव जी, कितने महीने से राशन नहीं मिला आपको? दो महीने से। कितने दिन से आ रहे हैं आप राशन लेने के? अरे दो तीन दिन तो हो गया। क्या बता रहे हैं कोटेदार, क्या बता रहे हैं? वहाँ जो कहा रहा मिली बैठे मिली हो गया बैठे नहीं चलते। कब मिली, क्या बता रहे हैं भाई? वहाँ उजला बच्चे कहा है साहब, भाई टोकन जमा कर ले था, अब यह नंबर वाइज चला जाए भैया। मिल गया मिल गए पुल बिहन ने, अब पुल बिहन ने भाई हाथ पुल बिहन ने, अब कहा कर सब दिन बिहान हो गए, टोकन जमा कर ले, अब टाइम हो गया अपन टोकन जमा बिहन ने आए यह हो जगह। अब क्या बताइए, क्या नाम है कोटेदार का? नहीला नहीला। हाँ, आपका दो महीना का नहीं बट रहा है साहब गल्ला? दो महीने से नहीं। हाँ, कल तीन दिन तक रहेगा तो ही परेशानी। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? कितने महीने से नहीं मिला हमको? तीन दो महीने से नहीं मिला। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम चाहेंगे सबकी आवाज कैमरे तक पहुँचे। भैया क्या नाम है आपका? राजमन यादव। कितने महीने से नहीं मिला? दो महीने से आप भी नहीं पाए भैया। सर राम प्रकाश यादव नाम हमारा। ये हमारे भरसेड़ी पंचायत में जुलाई से मतलब लोग कुछ लोग गला नहीं पाए हैं और 4-5 साल से लगातार। तो क्यों नहीं पाए हैं? ये हमारा निवेदन है कि कलेक्टर महोदय जी से एवं खाद्यान्न अधिकारी महोदय से पूरा हमारा भरसेड़ी का कितना गल्ला गिरता है, कितना कोटेदार देते, हर माह में गल्ला घटता है। मान लीजिए 150-200 आदमियों को गल्ला कम क्यों पड़ जाता है? ये कूपन के हिसाब से राशन आता है, कम क्यों कूपन के हिसाब से राशन तो कूपन के हिसाब से आता है। यही तो हम लोग सब जानना चाहते हैं। और नहीं पा पाती है भाई, ब्लैक कर देते हैं गल्ला। ब्लैक करने के बाद पब्लिक जो है तो नहीं पाती है, इसीलिए परेशान है पब्लिक। 4-5 महीने से कोई गल्ला नहीं पा रहा है, ना कोई सरपंच ध्यान देता है, ना कोई विधायक ध्यान देता है, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अब पब्लिक मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। उनके घर में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तो कहां पाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, बताइए। हैं, क्या नाम है सर आपका? लालदेव बैजा है। कितने महीने से नहीं मिला? मैं तुम्हारे 5-6 महीने नहीं पाया। 5-6 महीने से ये टोकन सुन सकते हैं यहाँ की कहानी। 6-6 महीने, 4-4 महीने, 2-2 महीने और महीने तक मिला ही नहीं राशन। अगर यहाँ की कहानी समझा जाए तो जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उचित मूल्य दुकान की जांच कराई जाए और जो दोषी कोटेदार पर कार्रवाई किया जाए। क्या कार्रवाई होती है देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूं पंकज दुबे।